चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में माइनिंग विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक हुई और इस दौरान मुख्यमंत्री ने अवैध माइनिंग पर शिकंजा कसने के लिए कई अहम फैसले लिए। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने माइनिंग विभाग की अहम बैठक ली। बैठक में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद रहे। अवैध खनन की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अब हरियाणा सरकार सख्त हो गई है। इसी के चलते बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने माइनिंग अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 25% अवैध माइनिंग पर रोक लगा दी गई है और जल्द ही अवैध माइनिंग पर और ज्यादा सख्ती से शिकंजा कसा जाएगा। आज खनन विभाग की ओर से जो विषय आए थे, वर्षों से लटके हुए, जो चाहे वो कोर्ट्स में लटके हैं चाहे डिपार्टमेंट में लटके हैं, ऐसे विषयों के समाधान के लिए कुछ चीज़ें निर्णय की गई हैं। आज उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके साथ बैठ करके विचार विमर्श करते हुए और फाइनल निर्णय करके वो सुविधाएं उनको बता दी गई हैं। जैसे विशेष तौर पर इसमें जो इसी एक साल के अंदर ली जाती थी और एक साल तक न मिलने पर बाद में उनके ऊपर लगातार जो डेड रेंट के नाम से और चार्जेज उनको देने पड़ते थे उसको समाप्त किया है। जो पिछले खाने जो पहले बंद हो चुके हैं या जिनको इसी लेट मिला था, तो ऐसे उसमें एक साल का तो पहले प्रावधान था ही, उसके बाद अगला 6 महीने केवल 1% के राशि उनसे ली जाएगी और उसके बाद भी इसी नहीं मिलती है तो आगे 2% प्रति मास के हिसाब से जब तक इसी नहीं मिली है उनको तब तक के चार्ज लिए जाएंगे और इसके अलावा कोई डेड रेंट नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही कोई डिफॉल्टर होगा 1 महीने के अंदर सस्पेंड कर टर्मिनेशन का नोटिस दिया जाएगा। महज 3 महीने की मोहलत होगी वरना टेंडर टर्मिनेट किया जाएगा। तय किया कि जिस दिन सरेंडर का पत्र दिया गया है या जिस दिन माइनिंग उसने बंद कर दी है उसके बाद केवल 2 महीने का पैसा ही उनको और देना होगा। इसके अलावा सारा छोड़ दिया गया है तो उस 2 महीने का पैसा वो जमा करा करके और उसको सरेंडर मान करके और उसको एक प्रकार से खत्म किया जा सकता है। वही मुख्यमंत्री ने बताया कि अवैध माइनिंग पर सख्ती से शिकंजा कसने के लिए पुलिस विभाग की ओर से एक टीम का गठन किया गया है जो समय समय पर कार्रवाई करते हुए कई चालान भी काट रही है। विभाग की ओर से एक हमने टीम बनाई है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट यानी पुलिस विभाग, ये सब मिलकर के उस अभियान को चलाए हुए हैं और पिछले दिनों में हरियाणा के ही नहीं बल्कि राजस्थान से जो ओवरलोडिंग के ट्रक आते थे उनके भी चालान किए गए हैं। कम से कम 25% जो इलीगल माइनिंग है वो मैं समझता हूँ कि वो रोकी गई है और इसको सख्त करेंगे तो इलीगल माइनिंग को समाप्त किया जाएगा, ऐसा हमने सबको कहा। बहरहाल प्रदेश में अवैध माइनिंग पर फुल स्टॉप लगाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासों में जुट गई है। इसी के मद्देनजर की बैठक हुई और माइनिंग अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। वहीं प्रदेश सरकार एक विशेष दस्ता भी तैयार कर रखी है जो प्रदेश भर में छापे मार कर अवैध खनन पर नकेल कसेगा। जितेंद्र चौधरी, चंडीगढ़, खबरें अभी तक।